भगवान राम जी एवं उनके परम भक्त महाबलशाली हनुमान जी के बारे में पूर्ण जानकारी वाल्मीकि रामायण एवं तुलसी कृत रामचरितमानस में मिल सकती है। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम के अलावा सबसे अधिक गुणी एवं बलशाली श्री हनुमान जी को बताया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य को बहुत ही सरलता से पल भर में संपन्न किया है। शास्त्रों के अनुसार जाने क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे या नहीं। आप देख रहे हैं वासुदेव दर्शन। आज हम आपको राम भक्त हनुमान के बारे में बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी बंदर थे या नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब भी हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं तो उसमें वे एक बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, जिसकी एक पूंछ भी है। उनके चित्र को देखकर हर किसी के मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे, क्या वाक्य में उनके पूंछ लगी हुई थी इत्यादि। इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से मिलता है कि आखिर महाबलशाली परम वीर हनुमान जी आखिर है कौन। रामायण में कई स्थानों में हनुमान जी को वानर कहकर भी संबोधित किया है। सामान्य रूप से हम वानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला, जैसे पर्वत अर्थात गिरी में रहने वाले और वहाँ का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं। उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि विशेष जाति प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता है। दोस्तों, हनुमान जी के अलावा सुग्रीव बाली अंगद आदि के चित्रों में भी हमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, परंतु उनकी स्त्रियों के कोई पूंछ नहीं दिखाई देती है। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी सुग्रीव आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र हो सकती है। किष्किंधा कांड में एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी से भेंट हुई, तब दोनों में परस्पर बात के पश्चात रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से बोले, ऋग्वेद का अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं है तथा जिनके सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही उन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में उन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई उनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे।